बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि सर कोई भी फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो सर उसकी कोई ना कोई से क्लासिफिकेशन होती होगी। मीन्स सर वो मे बी सेल से बिलोंग करता हो, कोई परचेज से बिलोंग करता हो, या सर कोई कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो सर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्रेडिट सेल थी, तो क्रेडिट सेल हम कौन सी बुक में सर ट्रांसफर करेंगे इसको? सेल्स से बुक के अंदर। कोई सर हम क्रेडिट परचेज करें तो कहाँ जाएगी सर? परचेज बुक के अंदर। सेल रिटर्न कर रहे हैं तो सर सेल रिटर्न डे बुक में। परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज डे बुक में। कैश में कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो कहाँ जाएगी? वो कैश बुक के अंदर जाएगी। और सर अदर ट्रांजेक्शन कोई करते हैं जनरल जनरल में जाएगी। अब सर फिर मसला ये कि सर से अगर सर मैं कोई कंप्यूटर परचेज करता हूँ और सर मैं उधार पर परचेज कर रहा हूँ तो सर वो मेरे लिए कहाँ जाएगी? सर वो मेरे लिए सेल्स में जाएगी या सर अदर्स में जाएगी? अगर सर फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ मैं इन तीनों की, तो अगर ये तीन अगर मैंने कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन करी है, मीन सर मैंने कोई परचेज करी है, सेल्स करी है, या कोई सेल रिटर्न कर रहा हूँ या परचेज रिटर्न कर रहा हूँ सर क्रेडिट पे, तो सर अगर कोई ट्रेडिंग के पर्पज़ से अगर सर मैंने काम किया है तो सर वो जाएगा इन तीनों इन चारों चीज़ों के अंदर। या अगर लेट्स सर मैंने ट्रेडिंग के अलावा कोई काम करना है तो सर वो कहाँ जाएगी? सर वो जाएगा अदर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल सर मेरी एक कंप्यूटर की शॉप है, सर मेरे पास ये कंप्यूटर्स हैं मेरे पास। सर ये अगर लेट्स सर मैं कोई परचेज करता हूँ, सेल करता हूँ, या सर कोई मेरे पास वापस आ जाते हैं जो मैंने सेल की है, सेल रिटर्न हो जाती है, या सर परचेज रिटर्न करता हूँ मैं, तो ये किस लिए किया है? सर मैंने ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, तो सर ये कहाँ जाएगी मेरे पास? इसका होना इसका सेल होना सर जाएगा मेरे पास क्रेडिट सेल के अंदर, अगर मैं उधार पे बेच रहा हूँ। अगर सर मैंने उधार पे परचेज़ किया तो कहाँ जाएगा सर ये? क्रेडिट परचेज के अंदर। अगर सर मैंने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बेची है उधार पे और सर वापस आ जाती है मेरे पास, तो कहाँ जाएगी सर वो? सेल रिटर्न के नाम से सर आएगी। अगर सर फॉर एग्जांपल मैंने कोई परचेज़ की और सर मैं उसको वापस कर रहा हूँ उधार में, तो सर क्या करेंगे? वो जाएगी परचेज रिटर्न के अंदर। अब मे बी सर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक काउंटर बना हुआ सर मैंने अपने कस्टमर्स के लिए सर यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह परचेज़ की, सर चेयर्स परचेज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सर। ये चेयर्स जो है सर मैंने ट्रेडिंग के लिए नहीं ली, मेरा काम सर कुर्सियाँ बेचना नहीं है, तो सर ये कहाँ जाएगी सर? अगर मैं इसको उधार में परचेज करता हूँ तो कहाँ जाएगा इसके ट्रांजेक्शन? अदर्स में सर इसको रिकॉर्ड करेंगे। मीन सर इसकी सारी एंट्रीज कहाँ पास करूँगा मैं? जर्नल जर्नल के अंदर पास करूँगा। देन सर ये ट्रांजेक्शन इन बुक्स में जाने के बाद सर जाएंगी लेजर्स के अंदर। अब सर लेजर्स की बात करें तो सर लेजर्स होते हैं दो टाइप के। अगर हम लेजर्स की बात करें तो सर लेजर्स होंगे हमारे पास दो टाइप के। एक को हम नाम देते हैं सर जनरल लेजर। इसके सर बहुत सारे नाम है सर, इसको जनरल लेजर भी बोलते हैं, इसको मेन लेजर भी बोलते हैं, इसको हम लोग सर प्राइमरी लेजर भी बोलते हैं। मीन सर एक ट्रांजेक्शन आएगी जनरल लेजर के अंदर, सेकेंड ट्रांजेक्शन सर कौन सी है वो हमारे पास, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लेजर। या सब्सिडरी लेजर। सर इसके अंदर कौन कौन से लेजर आएंगे? सर इसमें दो टाइप के लेजर आएंगे। एक का नाम होगा सेल्स लेजर, एक होगा परचेज लेजर। अब सर सेल्स लेजर क्या होगा और सर परचेज लेजर क्या होगा? सर सेल्स लेजर वो लेजर जिसमें हम इंडिविजुअल कस्टमर्स का, इंडिविजुअल डेटर्स का सर हम क्या करेंगे यहाँ पे अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे। अगर सर मैं इसको लिख भी दूँ आपके हाथ, तो सर कोई भी अगर मेरे पास कोई इंडिविजुअल डेटर होगा सर, कोई भी ऑल इंडिविजुअल डेटर्स का सर क्या होगा यहाँ पे? अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा। जिसको मैं क्या बोलूँगा उसका पर्सनल अकाउंट भी बोल सकता हूँ सर, जितने भी डेटर होंगे उनका क्या होगा सर? पर्सनल अकाउंट यहाँ पे मेंटेन हो रहा होगा। अगर सर मैं परचेज लेजर की बात करूँ तो सर परचेज लेजर में सर क्या हो रहे होंगे? सर जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल क्रेडिटर्स हो रहे होंगे उनका सर अकाउंट बन रहा होगा, ऑल इंडिविजुअल क्रेडिटर्स का सर यहाँ पे अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा। मीन्स उसका वही पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे सर यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर्स का। तो ये क्या कहलाएगा सर? सेल्स लेजर, परचेज लेजर। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी लेजर या सब्सिडरी लेजर। उसके बाद सर अगर मैं बात करूँ सर, ये हमने नाम पढ़े थे अभी ऊपर, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, तो सर इसको हम डीपली पढ़ते हैं।